तो हाँ गई इसी पेपर के बारे में मैं रिव्यू करने वाला हूँ वैसे टाइटल और थंबनेल में हल्का सा आइडिया तो पता ही चली गया होगा कि किस बारे में आज आजकल रिव्यू होने वाला हाँ चलो जल्दी इस चालू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस पेपर के बारे में कैसा है ये सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो हाँ गई जिस पेपर की मैं बात कर रहा था अब मैं आपको दिखाने जाऊँ सो so, ये है मेरे पास मेरे फेवरेट ड्राॅइंग पेपर जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने स्केचेज में हमेशा से जो कि है आटो बाय कैम्पैप के स्केचिंग एंड ड्राइंग पार्ट मेरे पास दो साइज के अवेलेबल है ए फोर एंड ए थ्री बाय द वे ए वन बी इसमें लॉन्च हो चुका है पर मैंने अभी तक बाय परचेज नहीं किया उस लोकल स्टेशनरी शॉप में वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है तो हाँ अभी मेरे पास यही दोनों जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ बाय द वे इन पेपर की क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से क्या क्या, -क्या क्वालिटीज़ है इसमें और काफ़ी ज़्यादा तो पॉपुलर पेपर भी है ये और इसके बारे में डेप्थ रिव्यू है ये तो बताना आपको कैसा लगा है वीडियो तो so, सबसे पहले मैं बताता हूँ ये पेपर बेसिकली स्केचिंग एंड ड्राइंग पर्पस के लिए बनाया गया और इसमें पेंसिल मीडियम्स वाटर कलर्स इंक्स एंड सब सारे और पेस्टल्स ऑफ पेस्टल्स क्रेऑन वैक्स कलर्स सब यूज़ कर सकते हैं हम लोग और ये स्पेशली एसिड फ्री पेपर है और ये ए फोर साइज़ का एक पेपर है ए फोर साइज़ का पेपर है जिसमें ट्वेंटी शीट्स अवेलेबल है और जो कि है वन एट्टी जी एस एम का दोनों ही वन एट्टी जी एस एम के पैड्स हैं दोनों में ही सेम चीज़ें हैं देख सकते हो आप दोनों ही ए थ्री ए फोर एन ए थ्री के पैड्स हैं जो कि ओरिजिनल फ्रॉम नीदरलैंड है नीदरलैंड की कंपनी है आटोबाइट काम प और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है हंड्रेड परसेंट आसिड फ्री एंड सेलूलोस पेपर्स हैं तो इनकी दो साइड्स होती हैं और उनकी फोटोज मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ एक तो ये साइड है जो कि एकदम प्लेन साइड लाइक इतनी भी ज़्यादा प्लेन नहीं है मतलब तो थोड़ी सी टेक्स्र्स तो इसमें अवेलेबल हैं ही और एक तरफ है ये साइड जिनको रफ साइड पर ड्रा करना है वो रफ साइड पर ड्रा कर सकते देख लो देख लो कितनी ज़्यादा रफ़ टेक्स्चर है इसमें और इसमें मतलब इतने ज़्यादा नहीं है पर मीडियम टेक्स्चर पेपर है जिससे काफ़ी जल्दी हम लोग डार्क रिजल्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं इसलिए मेरे को ये सबसे ज़्यादा पसंद दोनों में हम लोगों को ट्वेंटी शीट्स देखने में मिल जाती हैं ये तो मेरे पास पैड है पर इसमें आपको लूज शीट्स भी देखने को मिलती पैकेजिंग में जो कि कुछ ऐसी दिखती है। और टेक्स्चर तो इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ही जब मेरे को रफ़ साइड पे ड्रॉ करना होता है मैं रफ पे करता हूँ जब मेरे को स्मूथ मतलब नॉर्मल स्केचेस बनाते होते हैं वो मैं स्मूथ साइड पे करता हूँ बेसिकली मेरे सारे स्केचेस स्मूथ पे ही होते हैं तो हाँ स्मूथ मतलब स्मूथ पे ही मैं सारे स्केचेस बनाता हूँ बता दूँ ये पेपर का प्राइस मैं मेरे को इस पेपर का प्राइस बेसिकली अभी याद नहीं है पर मैं आपको दोनों ए थ्री एंड ए फोर साइज़ के मेंशन कर दूंगा एंड इंक्लूडिंग ए वन का भी मेंशन कर दूंगा इधर कहीं पे स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा मैं तो आप देख लें और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पेपर है तो इसलिए मैं बिगनर्स को तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ पर अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने तो ये ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना है आपको पक्का पसंद आने वाला है और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ मेरी कुछ ड्राॅइंग्स जो मैंने इन पर बनाई हैं बाय द वे मेरी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा 90% परसेंट ड्राॅइंग्स सारी इन्हीं पे बनी हुई है तो हाँ मतलब सारी ड्राॅइंग्स हैं पर तो मैं सारी नहीं दिखाने वाला सारी दिखाने बैठे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो तो

अब मैं ऐसे आपको रख के इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज इधर से ही लाइट आ रही है और शाइन पड़ेगा तो समझ ही जाओ ये प्लास्टिक है तो शाइन करता है तो इसीलिए एक तरफ से लाइट आ रही है तो देख लो ऐसा सा कुछ स्केच है और इसी पे मैंने बनाया है और ये एक और स्केच है लाइटर वाला ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये भी इसी पेपर पे है इसके नेक्स्ट आता है ये वाला स्केच जो इसी पेपर पे है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में स्पेशली डिटेल्स और टेक्सचर्स जो इसमें ऐड हुए हैं मैं आपको वो क्लोजली दिखाता हूँ जैसा कि देख सकते हो मीडियम सर्फेज है थोड़ा सा शाइन मार रहा है क्योंकि प्लास्टिक की वजह से तो हाँ देख सकते हो कैसे टेक्सचर्स आ पाए हैं इसमें मीडियम सर्फेस पेपर्स के टेक्स्र भी दिख रहे हैं और पेंसिल शेडिंग भी दिख रही है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसमें टेक्स्चर दिखाई दे जाता है देख सकते हो हेयस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बने हैं इसमें ओवरऑल स्केचेस देख सकते हैं इतने बढ़िया डिटेल्स ऐड हुई हैं और एक ये भी स्केच है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को स्पेशली आपको बताएंगे कैसा लगे ये वाले इस पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है ये भी स्केच इसमें आप स्मूथ रिजल्ट भी अचीव कर सकते हो इस पेपर में और नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं यह तो मेरा कुछ पुराना स्केच है ये लेटेस्ट स्केच है और जो कि है गॉड ऑफ वॉर का जो कि काटरॉस का है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा बियर्ड में और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था देखो ज़रा ये टेक्स्चर को इसमें ब्लेंड ज़रा भी नहीं हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में ये और इस धर तो मेरे सारे पुराने स्केचेस हैं अब मैं आपको लेटेस्ट स्केच की तरफ लेके चलता हूँ ये वाला है ये कमीशन वर्क है और क्लाइंट को बस इसकी वीडियो चाहिए थी तो बस इतना ही मैंने स्केच अभी मेरे पास है तो जैसा कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना है और उसमें स्मूथ रिज़ल्ट देखना आप कितने अच्छे आए हैं शाइन कर रहा है फ़िलहाल तो ये देखिए स्मूथ रिज़ल्ट कितने ज़्यादा है इसमें एकदम स्मूथ टेक्शर हुआ है और उसी के साथ साथ मेरे पास एक दूसरा स्केच है जो कि है रोज़ का कैमरा फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा पर देख लो आप ऐसा ऐसा कुछ है ये जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होना है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है और ये है एक स्केच है जंगकुक का जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है मतलब पिक्चर बहुत स्मूथ थी सॉफ्ट लाइट आ रही थी चेहरे पे और देख सकते हो कितनी बढ़िया डिटेल्स कैप्चर किए मैंने एकदम पिक्चर जैसा बना है हेयर्स एंड ओवरऑल सभी इसी पेपर पे हैं और ये भी है बाय द वे काफ़ी सारे लोगों ने इसका यूट्यूब पे रिव्यू कर रखा है पेपर का ये तो एक वर्स्ट स्केच था इसमें देखिए इसमें इतनी बढ़िया डिटेल्स बनी हैंड का स्केच है ये और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी थी बिकॉज़ विदाउट ब्लेंड बनाया था मैंने पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये और ये विक्की कौशल का स्केच है जो कि मेरे को इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता बिकॉज इससे ज़्यादा मैं अब्जेज नहीं उतना ज़्यादा पर ये है नरेंद्र मोदी जी का स्केच जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है इसमें डिटेल्स बहुत बढ़िया आई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जैसा कि आप लोगों ने मेरी सारी की सारी ड्राइंग्स देख लूँगी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही होंगी आपको बिकॉज इन्हीं पेपर भी मैंने सारी बनाई है और डार्क रिजल्ट ऑप्ट करने के लिए डार्क पेंसिल्स यूज नहीं करता मैं इसमें लाइक मेरा फोर बी और फोर बी ऐसे 6B ही सिक्स बी तो हाँ, से काम हो जाता है मेरे को एट बी टेन ट्वेल्व बी ऐसे जाना ही नहीं पड़ता उन ग्रेड्स पे तो हाँ मेरा इन्हीं से काम हो जाता है फोर बी तक मेरा काम हो जाता है उससे ज़्यादा हाई मैं यूज़ ही नहीं करता उससे ज़्यादा हाई तो सिर्फ हेयर्स में यूज़ होते हैं और आइज़ के अंदर बस तो हाँ इसमें बस इतना एक एडवांटेज है कि ज़्यादा पेंसिल्स आपको यूज़ नहीं करनी पड़ती और काफ़ी ज़्यादा जल्दी आप रिजल्ट शॉप कर ले और स्केचेस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा पास आने मेरी आर्ट जर्नी के तो जल्दी से मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करो इंस्टाग्राम फेसबुक मैं डेली इधर पोस्ट डालता रहता हूँ यूट्यूब पर तो इतना रेगुलर नहीं हूँ पर कोशिश करेंगे रेगुलर होने की हंसो मत सच में होंगे रेगुलर मैं हमेशा कहता हूँ पर होता नहीं हूँ पर होंगे रेगुलर तो हाँ रेगुलर होंगे यूट्यूब पे भी पर उससे यूट्यूब से यूट्यूब से भी ज़्यादा रेगुलर मैं इंस्टाग्राम पे रहता हूँ तो इंस्टा पे आओ ज्वाइन करो 500 सौ फॉलोवर्स करवाने हैं हमारी आर्मी को तो जल्दी जाओ पाँच सौ फॉलोवर्स करो इंस्टाग्राम पर और पाँच सौ फॉलोवर्स पर एक बहुत बड़ा गिव अवे भी होगा तो जल्दी से पाँच सौ फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर करवाओ इस वीडियो में इतना ही था मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय